अमिताभ सर हियर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि सेकंड जो चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर का बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन सभी हम लोग एक दो वीडियोस में बनाएंगे, तब जाके ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं आपका थर्ड चैप्टर में प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर ले और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। बिफोर दैट एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, ये ए बी सी तीन पार्टनर्स है, 5:3:2 इनका रेशियो है और ये इसका बैलेंस शीट है, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से इनका रेशियो बदल करके 2:2:1 हो गया और यहाँ पे कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज में बदलाव आ रहा है। स्टॉक इंक्रीज्ड टू 2,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाई 2,000, फर्नीचर रिड्यूस बाई 20%, कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस टू 2,70,000, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। यानी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में बदलाव आ रहा है उसको हम लोग रिवाइज वैल्यू बोलते हैं। तो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा है पार्टनर्स चाह रहा है जो वैल्यू पहले से है वही वैल्यू नए बैलेंस शीट में भी रहेगा। तो इसके लिए आप जानते हो केस नंबर 2 हम लोग ट्रीट करते हैं, रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट आएगा उसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो वो प्लीज चेंज इन रेशियो का वीडियो स्टार्टिंग से देख ले तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू कैरी द एसेट्स, ये तो हो गया, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू कैरी द रिजर्व्स एंड पीएल अकाउंट एट द सेम वैल्यू। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व्स है इसको भी पार्टनर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, तो ये भी केस नंबर 2 हो गया जिसके लिए हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। अब आइए अंत तक इस वीडियो को देखिए कैसे मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको समय भी बचाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस तरह के क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो इस तरह से हमने ये सैक्रिफाइस निकाला, ए का और बी का माइनस में आ रहा है मतलब ये हो गया गेन, और सी का जो है नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। जिसने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखा है वो प्लीज उस वीडियोज को देखे और सैक्रिफाइस और गेन निकालना मैंने सारा चीज बताया है उसको आप देख ले तभी इस वीडियो को आप देखेंगे। उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में कह रहा था कि रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तो आपको याद होगा आपने पढ़ा है ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेते हैं, उसमें जो गेन कर रहा है उसका गेन निकालते हैं और फिर ये केस नंबर 2 है और फिर उसके लिए एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही यहाँ पे भी करना है। दूसरी बात गुडविल का सोचो, चेंज इन रेशियो में मैंने क्या आपको ट्रीटमेंट बताया है चेंज इन रेशियो का, एकदम बिल्कुल पहला वीडियो में मैंने आपको बताया, उसके बाद कई सारे वीडियोस आए हर में गुडविल का हमने एंट्री सिखाया आपको, फिर से इसमें रिपीट करता हूँ। गुडविल के लिए क्या करना होता है, टोटल गुडविल लेना होता है, फिर उसमें से जो गेनिंग पार्टनर है उसका गेन लेना होता है और फिर क्या करते हैं हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का जो ट्रीटमेंट है गुडविल का भी वही ट्रीटमेंट होगा, इसलिए हमने क्या किया और आप भी यही करेंगे एग्जाम में, समय बचाना है आपको, कि रिजर्व पीएल और गुडविल तीनों को जोड़ देंगे तो ये 2,10,000 आ गया। अब इसमें से जो बी है जो गेन कर रहा है उसका शेयर निकालेंगे और फिर जर्नल एंट्री कर देंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डील करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको समय बचाना है, कितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को किस तरह से सर जल्दी बताएं तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि इस क्वेश्चन में देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने बोला है तो मैं फटाफट से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल सकता हूं। तो आप अपना क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा हुआ है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000 और पहले स्टॉक था बैलेंस शीट में 2 लाख, आप कह रहे हैं 2,20,000 हो जाएगा, यानी स्टॉक आपका 20,000 से बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट है। तो देखो मैंने लिखा स्टॉक 20,000 प्लस में, प्रॉफिट को प्लस में लिखना है। दूसरा कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। आप सबको पता है पिछले वीडियोस में मैंने कहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट को लायबिलिटी मानना है। अब लायबिलिटी यहां पे बोल रहा है कि 2,000 से घट रहा है तो लायबिलिटी घटेगा तो आपका फायदा है, इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी प्लस में लिखा 2,000। उसके बाद कहता है फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो आप देखो फर्नीचर आपके बैलेंस शीट में 50,000 का था और अब वो 20% से घट रहा है, तो 50,000 का 20% यानी 10,000, तो आप फर्नीचर यहाँ नेगेटिव में लिखेंगे माइनस 10,000।
उसके बाद मैं आता हूं कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर 2,70,000 हो गया और पहले ये था 3 लैक्स, तो आप देख सकते हैं कि 30,000 से कंप्यूटर भी घट गया, तो यानी कंप्यूटर को भी मैंने नेगेटिव में लिखा। तो अल्टीमेटली हमारा इसको अगर मैं सॉल्व करूं प्लस माइनस करूं तो ये नेगेटिव में आ रहा है 18,000, तो मैं उसको कहूंगा नेट लॉस। अंडरस्टैंड, क्या कहूंगा? नेट लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चूंकि पार्टनर्स डिसाइड किया है कि रिवाइज्ड वैल्यूज को शो नहीं करना है, पुराने वैल्यूज को ही रखना है, तो ये केस नंबर 2 में फॉल करता है। केस नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें से जो गेन कर रहा है उसका गेन निकालो। जैसे 18,000 का मैंने गेन निकाला, 20 गेन 1/10, तो ये 1,800 आया। अब इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, चूंकि ये लॉस है तो उसको उल्टा कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आइए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है, कई स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, सारा चीज सही करके इसी में गलती करते हैं। बहुत केयरफुली आप देखिएगा, कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, जो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिया हुआ है बस उसको पहले ओपनिंग बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करो, 3 लैक्स, 1,80,000, 1,20,000। अब इससे पहले हमने दो दो जर्नल एंट्रीज किया था, एक किया हमने रिवैल्यूएशन के लिए, अभी भी किया था एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको यहाँ पे पोस्ट करना है, तो देखो टू में क्या है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दो टू बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट डाल दो ए में। ठीक है, और इधर टू बीज कैपिटल अकाउंट आ गया, तो इस तरफ आएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा बी में 1,800। इसके अलावा एक और जर्नल एंट्री हमने किया था गुडविल रिजर्व और पीएल के लिए, वो था बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टू में एज कैपिटल है तो टू एज कैपिटल डाल दो और अमाउंट डाल दो बी में, और इधर डाल दो बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट डाल दो ए में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसको दो दो बार आप देखिए समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बैलेंस सीडी निकालिएगा। ठीक है, तो बैलेंस सीडी निकालना आपको सिखाना नहीं है, वो आप जानते हैं। तो ये हमारा नया बैलेंस सीडी आ गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन का। अब आइए सबसे अंत में हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं, और ये इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट सबसे आसान है। किस लिए आसान है? बिकॉज पार्टनर्स क्या डिसाइड किया था कि जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज में बदलाव आ रहा है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी जो भी पुराने बैलेंस शीट में वैल्यूज था वही वैल्यू सारा आपको यहाँ से यहाँ तक उतार देना है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं लाना है, और लाइबिलिटीज भी वही रहेगा, और रिजर्व्स एंड पीएल अकाउंट को भी पार्टनर्स डिसाइड किया था डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके लिए हमने जर्नल एंट्री करके इसको सल्टा दिया था। तो अब देखिए वो भी उतना ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा कैपिटल में। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बना के ये जो आपका बैलेंस सीडी आया है वो अब हमारा नया कैपिटल हो जाएगा, और उसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे और फिर दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो दो बार बनाओ इसको,